आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। हम आज जो बात करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, वो हमारा टेंस होगा, फ्यूचर सिंपल टेंस, या इसको इनडेफिनेट भी बोलते हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? इसकी जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में गा, गी या गे आदि शब्द आते हैं, ये शब्द आने चाहिए, तो इससे हमारी पहचान होगी कि वह खाना खाएगा, वह स्कूल जाएगा, इस तरीके से इसकी पहचान होती है। अब बात करते हैं इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है। तो यहाँ पर जो लगता है विल लगता है, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, प्लस V1 इसका जो है मेन वर्ब लगती है। ये फ्यूचर सिंपल की जो पहचान है कि जहाँ पर विल हमें दिख जाता है किसी इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर, यदि विल दिखता है तो वो हमें फ्यूचर सिंपल टेंस होगा। और अब शेल लगना बंद हो गया है, शेल यूज़ नहीं होता है। हम बात करते हैं इसके अफर्मेटिव फॉर्मूले की। तो इसका जो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्यूचर सिंपल टेंस का जो अर्थ होता है वो होता है सामान्य या साधारण, कह सकते हैं साधारण भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल, ये इसका अर्थ होता है। हम इसके बात करते हैं अफर्मेटिव फार्मूले की, तो यहाँ होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फार्मूला होता है। हम इसकी बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो सब्जेक्ट लगता है, विल यूज़ होता है, प्लस नॉट यूज़ होता है, प्लस V1 होता है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है। हम इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि बनाने जाते हैं इसका, तो विल होता है प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है प्लस क्वेश्चन मार्क लगता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर इन सेंटेंस के बाद हम एग्जांपल की बात करते हैं, तो उदाहरण लेते हैं। इसका जो एग्जांपल होगा वो यह होगा कि राम स्कूल जाएगा, राम स्कूल जाएगा। तो यहाँ पर हम इन फार्मूले में हम इस सेंटेंस को करके देखते हैं कि इसका अफर्मेटिव जो फार्मूला होगा, सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें करना क्या है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम, विल फार्मूले से है तो राम विल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाएगा मीन्स गो टू स्कूल, राम विल गो टू स्कूल। इसका नेगेटिव यदि हम करने जाते हैं तो राम हमारा फार्मूले से है विल नॉट गो टू स्कूल, राम विल नॉट गो टू स्कूल। इंटरोगेटिव सेंटेंस यदि हम बनाने जाते हैं तो यहाँ पर विल जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है, विल राम गो टू स्कूल, और इसका क्वेश्चन मार्क लग जाता है। इस तरीके से हमने एक सेंटेंस करके देखा है कि यहाँ पर सिंपल जो इस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर मैं एक चीज़ और दे देता हूँ, यहाँ पर इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम चेंज करके देखते हैं तो यह एक एरर आता है, और एरर आता है कि राम कल स्कूल जाएगा। अगर इस तरीके से बात कही गई हो, अगर बात ये बोली गई हो कि राम कल स्कूल जाएगा, तो ये जो सेंटेंस है ये आपका फ्यूचर सिंपल नहीं होगा। फ्यूचर सिंपल क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो सेंटेंस है फ्यूचर सिंपल नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, और प्रेजेंट सिंपल हमें यहाँ से पता चलता है कि कल वर्ड आपको दे दिया है। कल जाएगा मीन्स आज जो है हम पर्टिकुलर अभी हम बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में हम बात कर रहे हैं कि राम कल स्कूल जाएगा, और बात कर रहे हैं फ्यूचर की और वर्तमान में कर रहे हैं। तो यहाँ पर कल वर्ड जो है, यहाँ पर जो है राम गोज आ जाएगा, राम गोज टू स्कूल टुमारो, यहाँ पर आएगा टुमारो। राम गोज़ टू स्कूल टुमारो, इस तरीके से ये सेंटेंस ऐसा बनेगा। इस टाइप से अगर कुछ वर्ड आपको दिख जाए, कुछ अलग शब्द दिख जाए, तो यहाँ पर गोज़ टू इसलिए लगा क्योंकि ये एक कल है, और कल वर्ड आपको टुमारो बता रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट में, और हमारा प्रेजेंट का ही बनेगा। उसमें गागी ये आ जरूर रहा है कि जाएगा, गागी ये जरूर आ रहा है, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं। फ्यूचर सिंपल का सेंटेंस ये नहीं है, ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। हम नेक्स्ट एग्जांपल करके देखते हैं इसमें इसी का।
फ्यूचर सिंपल का कि नेक्स्ट देखते हैं वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे, वे फुटबॉल खेलेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं इसमें वे फुटबॉल खेलेंगे मीन्स कौन, दे, फॉर्मूले से विल लगता है, दे विल, अब वी वन लगता है प्ले और फुटबॉल, फुटबॉल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ये हमारा अफर्मेटिव हुआ। इसका नेगेटिव सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दे विल, दे विल नॉट, फॉर्मूले में है प्ले फुटबॉल, दे विल नॉट प्ले फुटबॉल। हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस को करने जाते हैं तो विल को हमें आगे लाना पड़ेगा क्योंकि हमें फॉर्मूले में दिया है विल दे प्ले फुटबॉल। इस तरीके से हम सेंटेंस को सोल्व कर सकते हैं और यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है। इस तरीके से आप कई सारे सेंटेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। हम अगला एग्जांपल इसका करके देख लेते हैं और एग्जांपल करके देख सकते हैं। कि मोहन गाना गाएगा, ये भी कर सकते हैं, मोहन गाना गाएगा, इसका भी हम बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा यहाँ पर जो है हम अफर्मेटिव बनाने जाएंगे तो सब्जेक्ट हमारा मोहन है, मोहन विल सिंग ए सॉन्ग, मोहन गाना गाएगा, मोहन विल सिंग ए सॉन्ग। इसका हम नेगेटिव करने जाते हैं तो मोहन विल नॉट, फॉर्मूले से है विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं तो विल को आगे लाना पड़ेगा विल मोहन सिंग, विल मोहन सिंग ए सॉन्ग और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। यहाँ से हम बात कर रहे थे फ्यूचर सिंपल टेंस, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको बनाते हैं तो बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो बना सकते हैं। वह कल इस टाइप के अगर सेंटेंस दे दिया जाए कि वह कल खाना बनाएगी तो वो जो है कल वर्ड जो है आपको दे देगा, फ्यूचर को बताएगा यहाँ से अभी। लेकिन हम बात कर रहे हैं वर्तमान में तो वहाँ पर जो है प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस होगा, वो फ्यूचर सिंपल का नहीं होगा। इसका अगला एग्जांपल हम देखते हैं कि हम कमरों की सफाई करेंगे, सफाई करेंगे, हम कमरों की सफाई करेंगे। अब हम यह देखते हैं इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस बनता है। अब हम मीन्स वी विल, वी के साथ शेल लगता था लेकिन अब नहीं लगता है, वे विल क्लीन द रूम्स, रूम्स जो हैं कमरे बहुत सारे हैं, कमरों की सफाई करेंगे। इसका हम नेगेटिव करने जाते हैं तो इसका नेगेटिव सेंटेंस हम करते हैं तो वी विल नॉट क्लीन द रूम, द रूम्स। इसका हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने जाते हैं, आई बनाने जाते हैं, इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक बनाने जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विल वी, विल वी क्लीन द रूम्स। इस तरीके से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, वाक्यों को बना सकते हैं। आज फ्यूचर सिंपल टेंस जो है ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो टेंस हम पढ़ेंगे वो होगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस और उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।